क्यों जानूआर सानू और राहुल वैद्य के फैंस के बीच छिड़ी हुई है सोशल मीडिया वॉर, क्या है सारा माजरा, आइए आपको बताती हूँ। मैं हूँ आरजे मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है फिल्मी मोनिका। तो हुआ यूं कि जानूआर सानू ने अपने दिल की कुछ फीलिंग्स व्यक्त करी थी ट्विटर पे। उन्होंने लिखा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कोई बोलता है कि गाना मैंने ऑटो ट्यून से सही किया है, ऑटो ट्यून का यूज किया है, तो मेरा दिल बहुत टूटता है। ये पढ़ा आरकेवी के फैंस ने, जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जान, आपने बिग बॉस के घर में रहते हुए बहुत कुछ बोला राहुल वैद्य की वॉइस के बारे में कि उनको गाना अच्छा नहीं आता है, उनकी आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या तब राहुल वैद्य को बुरा नहीं लगता होगा? जिस पे जान कुमार सानू ने क्या किया, उन्होंने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट कर दिया और उन्होंने कैप्शन में लिखा कि इस तरीके के काम आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब आरकेवी के फैंस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने वापस से इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे पोस्ट किया और कहा कि जान कुमार सानू हमें धमकी दे रहे हैं, जिससे ये जो लड़ाई है वो और आगे बढ़ गई। और जान कुमार सानू ने कहा, अच्छा मैं धमकी दे रहा हूँ? जो कुछ दिन पहले तुमने एक लड़की के लिए इतना बुरा बुरा ट्विटर पे ट्रेंड कराया था वो क्या था? मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले निकी तंबोली ने राहुल वैद्य और दिशा परमार के लिए कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद आरकेवी के फैंस ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया था औकात में रह निकी तंबोली। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? जान कुमार सानू और राहुल वैद्य, इन दोनों में से आपको कौन बेटर सिंगर लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।